की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान शहर के छठ घाट दहा नदी के पास नाइट डी एरिया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन शहर के तुरहा टोली निवासी विशाल कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के पूर्व उपसभापति बबलू शाह और उपसभापति प्रत्याशी उज्जवल गिरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर खेल का उद्घाटन किया, जहाँ उन्होंने बताया कि क्रिकेट ही ऐसा खेल है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ खेलते हैं। वहीं खेल प्रेमी और आयोजनकर्ता विशाल कुमार को आए हुए अतिथियों ने इस खेल का आयोजन कराने के लिए शुभकामनाएं दी। इसमें यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं इस जो मैच का जो आयोजक किए हैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है कि खेल से युवाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि पहले लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया, खेलोगे खेलोगे तब नवाब बनोगे, क्योंकि खेल एक ऐसा पूरे विश्व में ऐसा छा गया कि खासकर क्रिकेट मैच की खेल के माध्यम से सभी युवाओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है, पूरे देश को खेल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे आयोजकों को जो ये मैच अपने स्तर से आयोजन कर रहे हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, सारे जाति बंधन को तोड़ के, सारे धर्म को तोड़ के एक साथ एक मंच पर सारे युवा खेलते हैं, एक अच्छा संदेश मिलता है इस खेल के माध्यम से। और मैं इन आयोजकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये आयोजक हर एक साल हो, ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आपस में जुड़े। जो युवाओं में आजकल देखा जाता है कि जो आपस में भेदभाव है, खेल के माध्यम से ही भेदभाव खत्म होगा। इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। क्या कहेंगे आज क्रिकेट टूर्नामेंट को? सबसे पहले तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर क्रिकेट तुरा टोली प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर लोग को बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा समझ रहा हूँ, काफ़ी ऊर्जावान समझ रहा हूँ कि हम यहाँ आए और बाकी सारे नौजवान युवाओं और सारे प्लेयर को ऊर्जा में देख के काफ़ी खुशी हुआ। क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है, खेल एक ऐसा चीज़ है, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम इससे बनता है, और हम सारे प्लेयर लोगों को सारे तो हम अपने तरफ से कामना करते हैं कि वो अच्छा खेले, आगे बढ़े, अपने सिवान का, अपने बिहार का, अपने देश का नाम रोशन करें। कोरोना काल के बाद बहुत दिन बाद ये आयोजन किया गया है क्रिकेट का, क्या कुछ मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को जो क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं? देख, क्रिकेट एक आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम का चीज़ है, खेल आपसी भाईचारा आपसी प्रेम का चीज़ है। हर मजहब के लोग, हर जात के लोग एक साथ आपस में खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, और ये खेल के काफ़ी युवाओं को ऊर्जा मिलेगी और युवा हमारे आगे बढ़ेंगे, हमारे सिवान, अपने बिहार, हमारे देश का नाम जरूर असर करेंगे। आयोजन किया गया क्रिकेट मैच को? ये हम लोग बचपन से यहाँ पे सारे लोग खेलते हैं, तो हम लोग सब भाई लोग मिल के हमेशा की तरह कराते हैं लोग। इससे पहले भी कुछ एक दो महीने पहले भी कराया था हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा आयोजन रहा था, इसके वजह से सोचा कि दूसरा आयोजन कराया जाए, इसके वजह से काफ़ी भीड़ है, लोगों में उत्साह भी है इस टूर्नामेंट को लेकर के।
क्या कुछ प्राइज रखा गया है विनर के लिए? प्राइज विनर के लिए ट्रॉफी और कुछ अमाउंट रखा गया है, तो अमाउंट आपको क्लियर बता नहीं पाऊंगा। और मैन ऑफ द सीरीज में साइकिल है, पर मैच में मैन ऑफ द मैच भी कुछ दिया जाएगा ट्रॉफी के साथ में। और इस टूर्नामेंट के मेन आयोजन जो है वो हमारे बगल के मोहल्ले के तुरटोली के बबलू सा जो वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट है और चीफ गेस्ट के तौर पे वो और उज्जवल गिरी भाई दोनों आदमी साथ में है। अभी तक यहाँ पे 8 टीम आई है और वन नाइट का टूर्नामेंट है। 8 टीम में 4 क्वार्टर फाइनल मैच होगा, 2 सेमी और 1 फाइनल। ऑलमोस्ट 2-3 बजे तक खत्म हो जाए। एंट्री फीस 3,000 रुपये। मेरा नाम नयाब हूँ। ये चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।